Hey guys, what's up? Welcome back to another brand new video. This is Avril Bhardwaj, finally back again with another video for you guys. And guys, sorry कि हम लोग आज फेस कैम नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीज़न, बट कोई और वीडियो में कर लेंगे, कोई बात नहीं. तो गाइज, टुडेज वीडियो इज़ विल बी वेरी अमेजिंग, क्योंकि आज हम लोग एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं. मेनी ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई सेटअप टूर, एंड पूरा टूर दूंगा. अभी आपको पता है हमने लैपटॉप खरीदा था तो उसका सेटअप लगाया था पूरा. तो सेटअप टूर फाइनली रेडी हो चुका है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग को दिखाने के लिए ये सेटअप. एंड इस सेटअप टूर में यू विल गेट टू नो वॉट equipments do I use for streaming and making videos, and पूरे equipments का links आपको सब description में मिल जाएगा. पूरा बताया कि how do I live stream and सारे जो भी मैं equipments use करता हूँ सब इसमें setup tour में मैंने cover किए हैं. I hope you guys will like it. So if you do, just please do let me know in the comment section. So sit back, relax and enjoy the video, and पसंद आया तो यार इसको लाइक कर देना. सो चलो चलते हैं वीडियो के अंदर. सो गाइज़, आ गए हैं हम अपने सेटअप पे और अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं एंड कैसा मेरा सेटअप है कुछ. सो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, तो यार सबसे पहले तो ये एक अच्छी सी टेबल है हमारी, देख सकते हो. उतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल एक टेबल है जिसपे हमने अपना सेटअप रखा है. चेयर भी हमारे पास गेमिंग चेयर नहीं है, वी यूजिंग द नॉर्मल चेयर जैसे रहती है. हम लोग कुछ उतना ज़्यादा खर्चा नहीं किया है. बट ये चीज़ देखो यार, ये तो मैं आई गेस डेफिनेटली पसंद आएगी. दिस इज़ सो कूल. ये वॉल डेकोरेशन के लिए मैंने लगाया था एक पोस्टर, स्पाइडरमैन का 3D पोस्टर है. वैसे वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा बट इट रियली पॉप्स अबाउट, और बहुत अच्छा पोस्टर है यार. देन मूविंग ऑन टू द मेन थिंग जो कि हमने लिया था अभी, ये है हमारा एसस टफ गेमिंग F15. तो ये बहुत ही कूल लैपटॉप है यार, और हमारा जो भी मेन गेमिंग और स्ट्रीमिंग होता है वो यही लैपटॉप से होता है. एज यू कैन सी इसमें देख लो, ये RGB लाइट्स हैं कीबोर्ड में. तो पूरा एक्सप्लेन करूँगा यार वीडियो में, एंड तक देखना, पूरा सेटअप टूर बताऊँगा. देन टॉकिंग अबाउट दिस लैपटॉप, देन वी हैव वन मोर लैपटॉप. दिस इज़ एसर A10. ये बेसिकली मैंने रखा है चैट्स पढ़ने के लिए, और जो ये वाला लैपटॉप है मेरा, दैट इज़ द मेन गेमिंग लैपटॉप, वो है मेरा स्ट्रीम और गेम्स खेलने के लिए. इस पर मैं चैट्स रीड करता हूँ. स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ. तो दिस इज़ इंटेल कोर i7, एज यू कैन सी. दिस इज़ इंटेल कोर i7, 1650 Ti का ग्राफिक कार्ड है. दिस इज़ 4GB VRAM एंड 8GB RAM है इसका, 1TB HDD, 256GB SSD. तो दिस इज़ द स्पेसिफिकेशंस, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे स्पेसिफिकेशंस. तो ये ऐसा कुछ लैपटॉप है. देन इसके स्पेक्स बता दूँ तो इसके स्पेक्स उतने कुछ खास नहीं है. ये बेसिकली एक नॉर्मल लैपटॉप है, दोनों विंडोज 10 है मेरे पास. और ये वाला मैंने चार्ट्स पढ़ने के लिए लिया है, पढ़ा था मेरे पास, तो उसको यूज़ कर रहा हूँ. पुराना लैपटॉप है थोड़ा. तो दिस इज़ ऑल्सो विंडोज 10, इसका 4GB RAM है. स्टोरेज आई गेस इसकी कम ही है, SSD इसकी 256GB है, समथिंग आई डोंट नो. तो ये है. नाउ टॉकिंग अबाउट द पेरीफेरल्स, सो पेरीफेरल्स पे हम लोग आते हैं. तो देन वी हैव दिस RGB कीबोर्ड विच इज़ ज़ेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर. तो ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है. सारे इक्विपमेंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो गाइज मेक श्योर यू डू चेक दैट आउट. तो ये देखो, यहाँ पे भी पूरा हमारा RGB कीबोर्ड है. तो बहुत अच्छा ये क्लिकी कीबोर्ड है यार, काफ़ी अच्छा फील आता है इसको यूज़ करने में. और ये है हमारा गेमिंग माउस विच इज़ ऑल्सो द ज़ेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर. तो ये कीबोर्ड माउस का मेरे को पूरा कॉम्बो मिला था, और आप भी इसको अमेजोन से ले सकते हैं. इट्स वेरी गुड लुक, बजट में एकदम अच्छा आ जाता है. तो यहाँ पे लैपटॉप है. एंड गाइज, नाउ द मेन थिंग, ये है हमारा फ़ोन. फ़ोन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि गाइज अगर मैं फ़ोन पे स्ट्रीमिंग करता हूँ तो लाइक मेरा फ़ोन से ही गेम्स जाते हैं थ्रू माई PC. तो ये इसलिए है, PC से स्ट्रीम करता हूँ तो आई यूज़ दिस वन, इसे स्टफ गेमिंग. तो इससे मेरे गेम्स चलते हैं और इससे स्ट्रीम करता हूँ. चैट्स ये वाले लैपटॉप से रीड होती हैं. देन वी हैव दिस हेडफोन्स विच इज़ पोर्टेबल वन, द ब्लूटूथ हेडफोन्स. दिस इज़ iTech. तो ये मैं इसको यहाँ पे लगा के रखता हूँ फ़िलहाल के लिए. तो नाउ और चीज़ें दिखाऊँ तो देन वी हैव वन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क विच इज़ दिस वन. दिस इज़ Seagate 1TB HDD. तो ये कनेक्टेड रहता है फॉर यू नो एक्स्ट्रा यूज़, अगर कोई गेम्स इसको स्टोर करना है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग. यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ तो ब्लिंक हो रहा है, तो दिस इज़ RGB लैम्प, और ये बहुत अच्छा है यार. एंड दिस इज़ गिफ्टेड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स.
सो बहुत अच्छा है यार ये, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने अपने सेटअप में यूज़ किया इसको. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, देन वी हैव दिस माइक्रोफोन. दिस इज़ मेयोनो AU-A03. तो ये काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है यार, रियली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, देख सकते हो. बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये बूम आर्म के साथ आता है और ये पूरा एडजस्टेबल है, तो ये किधर भी हम लोग मूव कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है. तो ये है गाइस सेटअप. और बात करें अब RGB लाइटिंग की, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे सेटअप में, और आप भी मिस करोगे. तो एक बार ऐसे दिखा देता हूँ ये कैसा लगता है मेरा पूरा टेबल. एज यू कैन सी उधर एसस्ट ऑफ गेमिंग F15 है हमारा, जिससे स्ट्रीम होता है. ये वाला चार्ट्स रीड करने के लिए लैपटॉप. यहाँ पे थोड़े एक्शन फिगर्स रखे, इसका भी बता देता हूँ. और टॉकिंग अबाउट द पावर सप्लाई, तो आप लोग देखिए इधर एक अडैप्टर लगा है जिससे पूरा पावर सप्लाई होता है. और देख सकते हो यार सिंपल सा, यहाँ पे पूरा पीछे देखो, यहाँ से मेरा पावर सप्लाई आता है एज यू कैन सी, और यहीं से मेरा RGB चालू होता है. तो अब मैं आपको RGB लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ, एंड लेट्स सी ये कैसा लुक मारता है. इसको हम लोग यहाँ से ऑन कर लेते हैं, एंड गाइस लुक एट दिस थिंग, पूरा अच्छा लग रहा है अभी एकदम. रुको, ऑन नहीं हुआ है, विल टर्न दिस ऑन क्विकली एकदम. तो यार ये देखो, ये जो पूरा लुक दे रहा है अभी, तो आपको पूरा दिख रहा होगा. और एक बार अगर मैं लाइट ऑफ करके दिखाऊं अपने रूम की, तो यार ये देखो कैसा सेटअप दिख रहा है. अभी जस्ट कमेंट में सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है आपको. ये एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है, बहुत अच्छा रूम डेकोरेशन के लिए भी अच्छा है. तो इसको मैंने टेबल पे सेटअप करा है, तो ये मेरा RGB लाइटिंग है. देन RGB हमारा कीबोर्ड में भी है, तो पूरा RGB लाइट है. देखो देखो लैंप लगा है, कीबोर्ड्स में भी दोनों में RGB है, और टेबल भी पूरा है. तो गाइस ऐसा कुछ सेटअप है, और ये मल्टी कलर है पूरा, जो कस्टमाइज हो जाता है. तो गाइस यही था सेटअप टूर, और अब देख लो यार बस यही चीज़ें सारी. कीबोर्ड है हमारे पास ज़ेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर, माइक्रोफोन हमारे पास है विच इज़ दिस AU-A03 मेयोनो. तो गाइस सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एसस्ट ऑफ गेमिंग F15 मेन गेमिंग और स्ट्रीमिंग लैपटॉप. तो ये यार ये मेरा सबसे बेस्ट है अभी तक का, क्योंकि यही ये मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है. इससे ही मेरा गेम्स होता है, इससे ही मेरे सारे PC स्ट्रीम होते हैं. फ़ोन से हम लोग फ़ोन का स्ट्रीम करते हैं. दिस इज़ ज़ेब्रोनिक्स माउस, और सब एक्शन फिगर्स वगैरह हमने रखे हुए हैं. तो पूरा यार ये कुछ ऐसा दिखता है, एक बार देख लो तो काफ़ी बढ़िया लुक आता है. ऊपर हमने एक स्पाइडरमैन का पोस्टर लगाया. तो गाइस ये था सेटअप टूर, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. सो इफ़ यू डू प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. वी आर वेरी क्लोज टू 2K, तो यार जल्दी से 2K करवाओ, और हम लोग और भी चीज़ें से धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे अपनी कम्युनिटी, और भी चीज़ें लाते रहेंगे आप लोग के लिए. तो फिलहाल ये वाला लैपटॉप भैया ऑन करके नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज इसमें कुछ चार्ज नहीं है. ये वाला लैपटॉप ऑन है, तो आप देख सकते हैं. तो यार यही था सब, होप यू गाइस लाइक्ड इट. सो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में. और आपके लिए एक और एक लास्ट में मैसेज है, तो यार वीडियो को बंद मत करना. एक मैसेज आया तुम लोग के लिए, ज़रा सुन के जाना ठीक है. हमारा एक स्पेशल मेंबर आया घर में, तो वो थोड़ा तुमको 2 मिनट का भाषण देगा, ज़रा सुन लेना. मेरे को खुद नहीं पता क्या बोल रहा है, बट चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. क्या हो रहा भाई लोग, कैसे हो रहे तुम लोग? मैं मेरा नाम भालू, मैं आया इधर क्या बोलते पराठे वाली गली से. तो मैं इधर अविरल के घर आके रुका, मालूम पड़ा इसका YouTube चैनल है रे करके. मैं इसका वीडियो देखता हो रहा, मेरे को तो बहुत कड़क लग रहा है इसका वीडियो रे, बहुत जहर है, बहुत कतई जहर है. तो मैं तो देखा लौंडे को सब्सक्राइब भी कर दिया है, मेरे को बोला तुम सब्सक्राइब करने को रे. तो अभी तुम लोग को क्या करना है, मैं लोगों ये वीडियो पसंद आए रहा इसको लाइक करो ज़रा, कमेंट्स में थोड़ा प्यार दिखाओ रे, सब्सक्राइब करो रे चैनल को, समझ रहे हो. मैं तो भाई बहुत बड़ा फैन हो गया रे इसको, मैं तो इतना भाई इतना वीडियो देखा इसका, सब्सक्राइब किया और मैं तो भड़क गया कि भाई 1 मिलियन का है नहीं हो भाई, 2K करवाओ जल्दी से, समझ रहे हो भाई लोग, जल्दी से सब्सक्राइब करो, नहीं तो घर पे आके ठोक के जाएगा मैं, समझ रहे हो. यही टकियाच फेंक के मारेगा, समझ रहे हो. करो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से, अभी के अभी.